नमस्ते जी, कैसे हो आप? सब लोग ठीक हो? तो मैं आज बनाने जा रही अरहर, और इसमें थोड़ी थोड़ी मसूर की दाल है। अरहर की दाल जो उसको तूर की दाल बोलते हैं, और इसमें थोड़ी थोड़ी मसूर की दाल भी है। तो मिक्स दाल थोड़ी अच्छी लगती है खाने में। और इसमें डालूँगी मैं दो मिर्च है, और चार पांच फली की है लहसुन की है, दो टमाटर काट के डाले हैं। और दाल को अच्छे से धोते हैं। तो मैंने दाल धो दी है, और इसमें डालती हूँ मैं टमाटर। ये दो मिर्ची काटी है, ये भी डाल दी हूँ। और लहसुन को तो चाहे तुम सिलबट्टे में पीस लो, तो चाहे तुम इसको कद्दूकस में कूट लो। तो मैं इसको इसमें कूट रही हूँ हमामदस्ता में। तो मैंने लहसुन डाल दिया, और हमामदस्ता में कूट के थोड़ा सा डालती हूँ नमक, थोड़ा सा नमक डाल दिया, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ। और एक लुठिया से दो लोटा पानी, एक लोटा पानी डाल दूँ। जब तक दाल उबलती है, तो तब तक बाटी की तैयारी करते हैं। तो हमने दाल रख दी, और दाल उबल गई तब तक। तो चलिए देखते हैं। तो दाल हमारी उबल गई है, और एकदम से पक गई है, अच्छी हो गई है। और मैंने इसमें अदरक नहीं डाला, क्योंकि अदरक गर्म होता है। तो मैंने इसमें अदरक उदरक कुछ नहीं डाला है, बस सिंपल बना रही हूँ। और अब चलो इसको छौंकते हैं। तो चलिए डालती हूँ तेल। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला पाम ऑयल का, और हम इसको इस्तेमाल कभी करते हैं, कभी सरसों का तेल करते हैं। तो चलो गर्म हो, तेल गर्म हुआ कि गर्म तेल गर्म हो गया। और मैंने इसमें थोड़ी सी हींग रखी है, आप देख रहे हैं ना, और थोड़ा सी राई रखी है, और थोड़ा सा डालती हूँ जीरा। तो चलिए जीरा बन गया, और डालते हैं दाल। तो दाल बिल्कुल ही सीधी है, सैंपल है। और थोड़ी सी गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दो। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ी गाढ़ी हो रखी, तो मैं थोड़ा इसमें पानी डालती हूँ। तो चलिए बन गई हमारी तूर की दाल। तो दाल बन चुकी है, थोड़ा मैंने धनिया पत्ती डाल दी। तो बिल्कुल सिंपल दाल बना रखी है मैंने, और आपको अच्छी लगे तो आप लोग भी ऐसे बना के खाना। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखना।